हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम प्रमोद यादव। तो कैसे हो सभी यार? और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी स्विफ्ट। तो मैं जा रहा हूँ अभी यार बजाज के शोरूम पे। तो आज वीडियो शूट करेंगे बजाज N160 की रिव्यू। तो उसका आपने राइड रिव्यू देखा होगा चैनल पे, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। एंड भाई एक अनाउंसमेंट भी करूँगा इस वीडियो में यार। तो काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा था, एग्ज़ाम थे मेरे, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो अब मैं ना एक चैलेंज लेना चाह रहा हूँ यार। तो अब अपने चैनल पर मैं सोच रहा हूँ कि 30 वीडियो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो आज पहली वीडियो होगी और रोज़ शाम 7 बजे वीडियो चैनल पर आ जाएगी यार। एंड इस चैलेंज में काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, मतलब काफ़ी सारी बाइक्स की एंड टेस्ट भी आएगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह भी काफ़ी आएंगी। तो सब्सक्राइब कर लो यार जो भी बंदे नए हो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड सपोर्ट करना यार। एंड चैनल का भी काफ़ी डाउन चल रहा है, तो अभी अपने 13,000 सब्सक्राइबर हैं। तो जब तक ये चैलेंज ख़त्म हो तो आई होप अपने 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएँ। और सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट करो यार। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगी। तो चलो आज देखते हैं पल्सर N160 को। और वीडियो लाइक करना यार, और आज की वीडियो का लाइक एम रखता हूँ मैं 100 likes, तो ज़्यादा नहीं है, लाइक कर देना यार। और कमेंट करना चैलेंज में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है अपने भाई को, तो कमेंट करना। बाकी कोई वीडियो चाहिए तो आपको एंड इंस्टा पे आके क्वेश्चन वगैरह पूछना जो भी है। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपको बजाज के शोरूम में। तो गाइस ये मेरे सामने खड़ी है बजाज N160। तो मैं आ गया हूँ अभी ऑटो लिंक, ये न्यू पालम विहार बजगेड़ा रोड। तो भाई कोई भी बाइक की बजाज की वीडियो चाहिए, यहाँ पे सारी वीडियो लेके आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रही अपने सामने ब्यूटी। तो ये ग्रे कलर है, ब्लैक ग्रे, काफ़ी सेक्सी लग रही दिखने में। और भाई इसमें 2 वेरियंट आते हैं, एक सिंगल चैनल और एक डबल चैनल। तो ये अपने सामने जो अभी खड़ा है डबल चैनल ABS का। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, तो सिंगल चैनल पड़ता है आपको 145,500 रुपये पड़ता है ऑन रोड, ये गुड़गांव में। और ये है अपने पास डबल चैनल। तो डबल चैनल ABS में यार सेफ्टी अच्छी रह जाती है, तो ये पड़ती है आपको 153,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव में, मतलब कि 8,000 रुपये महंगी पड़ती है यार ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से फ्रंट से इसके। तो सबसे पहले देख लो फ्रंट में इसका फेस देख लो यार, ये कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये बाइक उनके लिए जिनका सही बजट में यार काफ़ी अच्छी लुक्स चाहिए, पावर्स चाहिए, मतलब इस बाइक को देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बड़ी सी बाइक है, मतलब 200 cc की जो आपके NS आती है तो उसकी जैसी लुक लगती है इसकी कहीं ना कहीं। तो फ्रंट फेस देख लो, काफ़ी यहाँ से वाइड है, यहाँ पे थोड़ा नैरो है एंड काफ़ी मोस्टर टाइप की लुक दे रहा है। ग्राफिक्स में यहाँ पे आपको रेड एंड वाइट का पर्ल में ग्राफिक्स दे रखे हैं एंड बाई LED फंक्शनल लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये DRLs हैं एंड ये प्रोजेक्टर हेडलाइट है, तो इसको बंद कर देते हैं अभी। तो ऐसा लुक आता है फ्रंट से, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है जिससे काफ़ी अच्छा थ्रो रहेगा नाइट के टाइम। और ये LED DRL काफ़ी सेक्सी लगती है। तो ब्लैक ग्लोसी कलर है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं आपको, थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है एंड मडगार्ड देख लो, यहाँ पे मैट फिनिश, यहाँ पे ग्लोसी क्वालिटी सही है, प्लास्टिक है। और यहाँ पे डुअल चैनल की ब्रांडिंग मिल जाती है, डुअल चैनल ABS की एंड रिफ्लेक्टर देख मिलता है यहाँ पे, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, डुअल डिस्क मिलती है इस वेरिएंट में आपको। ये है डुअल चैनल ABS, तो सेफ्टी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी रहेगी इसमें आपको, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी भाई। एंड अलॉयज देख लो, स्पोर्टी अलॉयज मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, डिज़ाइन भी अच्छा है। तो भाई फ्रंट में आपको मिलता है 100x80 का सेक्शन का 17 इंच के टायर मिल जाते हैं भाई, और ट्यूबलेस टायर है, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी रहेगी इसकी यहाँ पे। एंड बात करते हैं इसकी साइड लुक से, साइड में देख लो कुछ ऐसी लगती है,
काफ़ी स्पोर्टी लुक्स हैं एंड जो इसके एज कटिंग है काफ़ी स्पोर्टी लगती है। एंड बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो जिससे ये स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है जिससे इसकी लुक एनहेंस होती है इसके फ्यूल टैंक से, तो ये देख लो काफ़ी वाइड फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा फील आएगा जब आप इसको राइड करोगे, होल्ड कर लेगी, आपके लेग्स यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे एंड काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। यहाँ पे देखो मैट ब्लैक मेटेलिक गन फिनिश में आपको मैट में ग्राफिक्स मिल जाते हैं यहाँ पे जगह जगह पे जो ग्रेस कलर में, और काफ़ी बढ़िया लग रही है। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ से वाइड है, यहाँ से थोड़ी नैरो है, और पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको 3D में यहाँ पे, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच दे रही है इसको, और ये आपको फेयरिंग यहाँ तक मिलती है बड़ी सी, और यहाँ पे रेड एंड वाइट का ग्राफिक्स मिलता है। ये थोड़ा वैन टाइप का डिज़ाइन है जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है देख लो, तो फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लो, तो फीचर्स भी अच्छे दे रखे इसमें इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। एंड यहाँ पे लेग गार्ड मिल जाते हैं आपको देखने को सेफ्टी के लिए। अब नीचे आपको स्पोर्टी हुड भी मिलता है जिससे इंजन की प्रोटेक्शन हो जाती है मिट्टी से। एंड इंजन की बात करें मेन चीज़ इसके हर्ट की भाई, तो 160 cc सिंगल सिलेंडर SOHC BS6 ऑयल कूल्ड इंजन है। ऑयल कूल्ड है तो कूलिंग ठीक रहेगी, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, ऑयल कूल्ड सही है इसमें, पाची में भी ऑयल कूल्ड आता है इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के जो है इसका। एंड FI है तो माइलेज भी यार आपको ये दे देगी अराउंड 40-50 आपको सिटी में, राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, हाईवे पर आपको ये 55-60 भी दे देगी। एंड बात करें भाई इसकी पावर की, तो 16 HP की पावर मिल जाती है आपको एंड टोर मिलता है 14.8 न्यूटन का, तो पिकअप अच्छा खासा रहेगा और ये 15-16 सेकंड में 100 की स्पीड अचीव कर लेगी भाई, तो भगाने में मज़ा जरूर आएगा क्योंकि इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है। मेरा राइड रिव्यू देख लेना आप, 5 गियर बॉक्स मिलते हैं कि यही इसका कौन सा लगता है मेरे को कि इसमें 6 गियर नहीं मिलते। वैसे स्मूथ है, बढ़िया है, बटर स्मूथ है। डुअल स्टैंड मिल जाता है आपको यहाँ पे और सिंगल स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर के साथ। पीछे की तरफ आपको रेड कलर में मोनोसोक मिल जाता है, नाइट्रोसोक मोनोसोक्स। एंड यहाँ पे फुटपैक्स की क्वालिटी भी प्रीमियम दे रखी है। और सीट की बात कर लेते हैं, तो स्प्लिट सीट मिलती है जो कि यार मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है इस बाइक की। सीट का जो डिज़ाइन दिया है ना काफ़ी प्रीमियम है, जो टेक्सचर है ये देखो कितना, जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक आती है ना बड़ी, उनका जैसा फील दे रखा है। यहाँ पे पल्सर की बैचिंग भी दे रखी है और राइडर की सीट काफ़ी बड़ी है, कुशनेबल है और काफ़ी स्पेसियस भी है। पीछे पिलन की सीट भी बड़ी है, तो यहाँ पे यार कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। मतलब सिटी में चला रहे हो आप, हाईवे पे जाओ, लॉन्ग ड्राइव करो, मजा आएगा। तो पीछे की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, स्पोर्टी मिल जाते हैं भाई। एंड पीछे की जो टेल लैंप है ये देख लो, ये भी आपको कितनी बढ़िया लगती है, LED टेल लैंप मिल जाती है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिलता है इसका। जिसकी इसकी टेल लैम्प और जो पीछे की लुक है ना ये देखो, इससे काफ़ी अच्छी इसकी लुक एनहेंस हो रही है, बड़ी सी बाइक लगती है और मस्त लग रही है। ये हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं पीछे की तरफ आपको, ये टेल टाइडी का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है, लुक्स काफ़ी स्पोर्टी इस बाइक की भाई। पीछे की तरफ आपको ये मड गार्ड मिल जाता है एंड पीछे की तरफ का टायर देखो, टायर की ग्रिप देखो कितनी अच्छी है, तो मतलब रोड पे आपको टायर की तरफ से ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड चौड़ा टायर है पीछे का भी, 130 सेक्शन का टायर है, 130 सेक्शन का, तो वाइड ही है और रेडियल है, तो ये है लीन वगैरह करोगे और राइड पे जा रहे हो तो मज़ा ज़रूर आएगा इसमें यार। पीछे की तरफ आपको डिस्क मिल जाता है सेंसर क्लिप के साथ, और ये है देख लो, मतलब सही लग रही है। एंड एक चीज़ और अच्छी, इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है आपको इसमें, तो जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है। एक बार बात कर लेते हैं हैंडल बार की तरफ, तो अपराइट हैंडल बार पोस्चर मिल जाता है, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, थोड़ा स्पोर्टी पोस्चर फील होएगा। असिस्ट स्लीपर क्लच मिलती है आपको यहाँ पे, एंड हॉर्न सुना देता हूँ जरा एक बार, तो हॉर्न भी लाउड है, अच्छा है, स्पोर्टी फील होता है। यहाँ पे इंजन की स्विच वगैरह, सेल्फ स्टार्ट की, ये एग्जॉस्ट नोट ले लो एक बार इसका, क्या बात भाई, आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्पोर्टी नोट है। मिरर्स देख लो, ये भी सही है, व्यू अच्छा रहेगा यहाँ पे इसका। की दिखा देता हूँ फटाफट से, तो ऐसी की मिलती है बजाज की, काफ़ी अच्छी की दे रखी है भाई, लाइट वेट सी। मेरे मीटर देखते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे ऐसा मीटर मिल जाता है, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दे दिया बजाज वालों ने। इसमें आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है एंड ये RPM मीटर एनालॉग मिलता है, इंडिकेटर्स मिलते हैं ABS वगैरह के, न्यूट्रल वगैरह के, ये गियर इंडिकेटर है। यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, टाइमिंग दिखाती है, डिस्टेंस टू MT भी दिखाती है यहाँ पे, यहाँ पे आप सेट मीटर से एडजस्ट कर सकते हो। ओडोमीटर दिखा रही है यहाँ पे, एंड ये आपको ट्रिप वन, एंड यहाँ पे ट्रिप वन की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1, और ये ट्रिप टू इस बटन से दिखाई गई एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2, तो ये डिस्टेंस 20 आ गया वापस से। ओडोमीटर तो ये सब चीज़ दिखाती है, यहाँ पे फ्यूल गोज दिखाती है आपको। मीटर काफ़ी अच्छा है, ये जो सुई वाला RPM है ये काफ़ी अच्छा फील देता है, RPM से फ्लैट मिलती है। एंड सीट हाइट की बात करूँ, 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है, तो बढ़िया है। और भाई 154 kg का कर्व वेट मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, लाइट ही है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, और बढ़िया है। तो देखो ये है बाइक,
बाकी मैंने आपको ओवरऑल सारा बता दिया है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो भाई ये चली जाएगी आपको 120 से 130 की KMPH की टॉप स्पीड आपको दे देगी। काफ़ी अच्छी बाइक है दिखने में और चलने में भी, और जिनका बजट कम है, जिनको मतलब सही बजट में एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए फीचर्स के साथ, उनके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। पल्सर लवर कमेंट करना। सो गाइस, ये देख लिया आपने पल्सर N160 का रिव्यू, तो भाई मैंने अपना पूरा दे दिया है रिव्यू इसमें। और बाकी आज अपना फर्स्ट डे था चैलेंज का, तो चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भाई, और इंस्टा पे फॉलो जरूर से करना, और बाकी लाइक एम हैंडेड था कर देना भाई। बाकी इसकी अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ ब्रेक टेस्ट लेके आऊँ, तो अगली वीडियो ब्रेक टेस्ट आएगी, तो कमेंट करो आपको चाहिए तो। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय बाय।